पिछले सप्ताह थाना मंसूरपुर क्षेत्र में एक एटीएम कार्ड स्वैप करके अकाउंट से पैसा निकालने की एक घटना हुई थी। उसके संबंध में जब वादी द्वारा सूचना थाने पर दी गई तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्तों की बरामदगी के लिए सीओ खतौली साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने आज दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो इस घटना में शामिल थे और इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से इन्होंने 1,14,000 रुपये की चोरी की थी। उस चोरी को जो है वो 40,000 रुपये इन्होंने कैश विड्रॉल कर लिया था, उसको बरामद किया है और 74,000 रुपये उन्होंने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर लिए थे। उस अकाउंट को फ्रीज करवाया गया है, उस धनराशि को होल्ड करवाया गया है। ये जो दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, ये दोनों अभियुक्त इनमें से जो रवि पुत्र रणविजय है ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है संदीप पुत्र नफे सिंह ये हरियाणा के जिंद का रहने वाला है। ये एक अंतर्राज्यीय एटीएम स्वैप करके पैसा निकालने वाला गिरोह है और इसमें जो अभियुक्त संदीप है उसके खिलाफ पूर्व में उत्तराखंड में 2 मुकदमे और खेकड़ा बागपत में 1 मुकदमा इसी तरह से जो है वो एटीएम कार्ड स्वैप करके पैसा निकालने का है। पुलिस ने इस मुकदमे की विवेचना के दौरान 100% बरामदगी करते हुए दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त की गई बाइक को बरामद किया है और एक POS मशीन थी जिससे ये ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। इस प्रकार थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा इस मुकदमे का खुलासा किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और माल बरामद की गई है।